फेमस कौन है? बिग बॉस देखते हो या नहीं? हाँ, बिग बॉस एवियर शो। क्या जसलीन और अनुज जलोटा? क्या कहोगे जसलीन और अनुज जलोटा के बारे में? मुझे पता है, मैं देखा। आप बताइए। हाँ, उनकी जोड़ी काफी अच्छी है, फेमस है। और जोड़ी अच्छी है? हाँ, जोड़ी अच्छी है उनका। 65 साल और 28 साल की जोड़ी अच्छी है। अच्छा लग रहा है सबको, दर्शकों को अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं वो लोग, फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ चलो उनका जो भी है लव सर वो। और इसमें मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट तो दीपक है। क्या लगता है कौन जाएगा फाइनल तक? फाइनल तक दीपिका, 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 नेहा और दीपक ऑफकोर्स। और ये अनुज जलोटा? अनुज जलोटा देखो, शायद मुझे लगता है जैस्लीन की वजह से। हाँ, नॉमिनेट हुए वो हुए। और वो करणवीर हो गया नॉमिनेट, और वो क्या नाम है उनका, वो शिवाशीष, वो भी नॉमिनेट हुए हैं। और सिंगल जो थे उनमें दीपिका हुई है और सृष्टि हुई है शायद। अच्छा, उसमें क्लीवर कौन है, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट? हाँ, स्मार्ट, दीपिका। दीपिका इसीलिए तो बोलने, दीपिका आगे जाएगी। हाँ, दीपिका। और मैं उसको विश कर रही हूँ कि वो जीते शो। और इमोशनल ड्रामे कौन करता है? इमोशनल ड्रामे, इमोशनल ड्रामे नहीं, इमोशनल ड्रामे आई थिंक वो ड्रामे उसके रहते हैं सृष्टि। हाँ, उसका रहता है। और वो जो दीपक के साथ है ना, उसके अपोजिट उर्वशी, उसका थोड़ा है। हाँ, कुछ हो जाता है नोकझोंक तो बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने चालू कर जाती है, मतलब ऐसा है। हाँ, चलिए, थैंक यू। दीपक का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें, इसलिए वो भी मेरा फेवरेट है। और दीपिका, ओके, थैंक यू। चलिए, डी से दीपक, डी से दीपिका।